इस सीरम को बनाइए, अपने बालों में लगाइए और अपने बालों को तेजी से घना बना लीजिए। इस सीरम को कैसे बनाना है इसके लिए आपको मेरे इस वीडियो को जरूर देखना होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बेहद खास नुस्खा लेकर आई हूँ। ये नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनके बालों की हेयर ग्रोथ रुक गई है और नहीं बढ़ पा रही है। आज का ये नुस्खा बेहद खास है क्योंकि गाइस, आज तक इस नुस्खे का यूज जिसने किया है उसके बालों की हेयर ग्रोथ इतनी तेजी से बढ़ी है, बाल इतनी तेजी से घने हुए हैं कि वो आज तक इस रेमेडीज को अपने बालों में अप्लाई करते हैं। तो गाइस, अगर आप भी अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, आप भी परेशान हो चुके हैं अपने छोटे बालों से, झड़ते बालों से, तो गाइस एक बार इस नुस्खे का जरूर यूज कीजिएगा। इस नुस्खे में मैं किन किन चीजों का यूज कर रही हूँ वो तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन मैं आपको एक बार बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिए हैं लौंग, तेजपत्ता, मेथी दाना और प्याज के छिलके। गाइस, इनके अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं, आपके बालों की जड़ों में जाकर डैमेज स्किन को हटाएगा, डैमेज स्किन को रिपेयर करेगा, जिससे आपके बाल तेजी से ग्रोथ करने लग जाएंगे। तो इन चीजों का आपको अपने बालों में किस तरह से यूज करना है, चलिए जानते हैं इस नुस्खे को। सबसे पहले आप ले लीजिए एक पैन। इस तरह से आपको एक पैन लेना है और इसमें आपको 4 से 5 लौंग ऐड कर देने होंगे। उसके बाद आपको लेने हैं बाय लीफ यानी कि तेजपत्ता। आपको फ्रेंड्स इसमें 2 से 3 तेजपत्ता के इस तरह से तोड़कर ऐड कर देना होगा। और इसके बाद आपको इसमें ऐड करने हैं, इसके बाद ऐड करेंगे मेथी दाना। मात्र 1 चम्मच मेथी दाना आपके बालों के लिए काफी रहेगा। और इसमें आपको ऐड करना है प्याज के छिलके। आपको गाइस ऐसे ही प्याज के छिलके उतार लेने हैं जैसे भी वो हो। तो गाइस, मैंने यहाँ पे 2 प्याज के छिलके उतार लिए हैं। आपको इन्हें वॉश नहीं करना है, प्याज के छिलके जैसे हैं वैसे ही आपको यूज करने हैं। मैंने इसमें सभी चीजों को ऐड किया है। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना होगा पानी। गाइस, आपको इसमें 1 गिलास पानी ऐड करना होगा और इसके बाद मात्र आप इसे 20 मिनट के लिए पका लीजिएगा। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो आपको इसे लो फ्लेम कर देना होगा और लो फ्लेम करने के बाद मात्र 10 मिनट तक आप इसे पकाइए, क्योंकि हमने जो इसमें चीजें ऐड की हैं उसकी सारी गुडनेस इस पानी में निकल आए। तो लो फ्लेम करने के बाद आप इसे 10 मिनट तक पकाइएगा। देखिए गाइस, इसे पकते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से ठंडा भी हो चुका है। देखिए गाइस, इसे पकाने से हमारे जो ऑनियन का छिलका है वो कैसे कलर का हो गया है, एकदम पतला हो गया है। और फ्रेंड्स, हमने जो इसमें मेथी दाना ऐड किया था उसके भी दाने एकदम फूल कर सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए गाइस, इस तरह से आपको इसे पकाना है और इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है। अब गाइस, इस पानी में इन सभी चीजों की अच्छी गुडनेस आ चुकी है और जब आप इस सीरम को अपने बालों में लगाएंगे तो सोचिए ये आपके बालों को कैसे तेजी से घना करेगा। सबसे पहले गाइस, हम इस सीरम को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए गाइस, मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया था और ये मात्र हमारा 1/2 गिलास पानी ही बचा है। तो गाइस, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में इन सभी चीजों की गुडनेस ऐड हो चुकी है। अब आपको इसे एक बोतल में डाल लेना होगा। अगर आपके पास स्प्रे बोतल है तो आप उसमें डाल लीजिए और अपने बालों की जड़ों में लगाइए, पूरे बालों में लगाइए, या फिर कॉटन की सहायता से भी आप इसे अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। मात्र आप इसे 2 घंटे लगाइए और अगर आप इसे रात को लगाकर अपने बालों में सो रहे हैं तो ये आपके बालों के लिए बहुत खास
और बहुत ही अच्छा होगा। और मात्र एक ही वीक में आपके बाल इतने घने हो जाएंगे, तेजी से ऐसे ग्रोथ करेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके बालों की सभी समस्याएं कैसे चुप्पियों में दूर हो चुकी है। तो अगर आपको यकीन नहीं होता है तो एक बार इस नुस्खे का जरूर यूज कीजिएगा। तो गाइस ये था आज का मेरा वीडियो, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।